दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। बात करते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की धरती से। एक बहुत बड़ा संदेश नीतीश कुमार का आया और खलबली पूरे भारतीय जनता पार्टी आलाकमान में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मची है, आग लगी पड़ी है कि आखिर संदेश का मायने क्या है। सियासी जानकार, सियासी पत्रकार, राजनीतिक विशेषज्ञ सब इसको मापने और नापने में लगे हैं, तौलने में लगे हैं कि आखिर नीतीश कुमार का ये बयान कितना गुल खिलाएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति से संदेश की। उत्तर बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार ने एक सभा को संबोधित करते हुए एक बयान दे दिया कि इकट्ठे हो जाओ, अगर इकट्ठे हो जाओगे तो बीजेपी टोटल 100 सीटों पर सिमट जाएगी, 100 सीट निकालना मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाएगा। तो उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका समर्थन नीतीश कुमार को मिल जाता है। अब इसका सियासी संदेश मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तरफ नीतीश कुमार की और अखिलेश यादव का जो लगाव है, जो मित्रता है, जो प्रेम है, जो कैमरा पे जो लगातार मिलाप देखा गया है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन की पूरी उम्मीदें बनती हुई दिखाई दे रही है। और अंदर खाने मैंने एक वीडियो बना के बताया था कि 24 से 25 सीटों की मांग है कांग्रेस पार्टी की। अखिलेश यादव इतनी सीटों पर सहमति जताएं, लेकिन अखिलेश यादव 15 से 10 सीटों पर इस चीज़ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और नीतीश और अखिलेश का जो प्रेम है, दोनों पिछड़े समाज के नेता हैं, एक दूसरे के से जो लगाव है, तेजस्वी यादव गठबंधन में है ही है, तो अब कहीं ना कहीं ये सियासी आकलन जताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब बिल्कुल साफ होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के साथ 15 से 20 सीटों के बीच में, जो है 10 से 20 सीटों के बीच में समझौता होने ही वाला है। इसका बहुत जल्द आने वाले समय में इसका बहुत जल्द ऐलान होगा कांग्रेस की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से गठबंधन का ऐलान होगा। दूसरी तरफ मैं आपको फ्रंट बताता हूँ कि ममता बनर्जी अखिलेश यादव के साथ बहुत बढ़िया संबंध है। तीसरी तरफ नीतीश कुमार और साथ में चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि इनका मिलन आपस में गुलदस्ते लेकर, जिस तरह से नीतीश कुमार चंद्रशेखर आज़ाद को वरीयता देते हैं, मिलते हैं, यूपी और मध्य प्रदेश बिहार सहित चंद्रशेखर का जो जनाधार बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो चाणक्य नीति है आपको अमित शाह की, उसको फेल करते हुए नीतीश कुमार अखिलेश यादव इस समय मौजूदा हालत राजनीति में ये समीकरण बिल्कुल बदलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको मैं सही बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है और बिहार की राजनीति है, बिल्कुल 120 सीटों पर ये चुनाव, 80 सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में और 40 सीटें जो है कि बिहार में, ये दोनों जो राज्य हैं, नीतीश और अखिलेश जो दांव मार रहे हैं, जो धोबी पछाड़ मार रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत डेंट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जितने भी राजनीतिक सलाहकार हैं, राजनीतिक को समझते हैं, धरती पर जो चल रहा है, जातिगत जनगणना करवा रहे हैं नीतीश कुमार, अखिलेश मांग कर रहे हैं, KCR अखिलेश के साथ है, ममता जी एकदम बिल्कुल अखिलेश के साथ खड़ी हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद, जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल जैसे तमाम बड़े नेताओं का जो गठबंधन है, जो समायोजन है, अखिलेश के साथ है। नीतीश कुमार जातिगत जनगणना करवा के जिस समय उत्तर प्रदेश में कदम रखेंगे फूलपुर या किसी अन्य लोकसभा सीट से, उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो आने वाला दिन है, आने वाला समीकरण है, आरक्षण के मुद्दे हैं, जो सरकारी संस्थाएं बेची गई हैं, जिस तरह से OBC SC ST का आरक्षण खत्म हुआ है अपने आप, ये तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जिस तरह से एक पिछड़े समाज की गोलाबंदी हो रही है और साथ में दलित का तड़का लग रहा है, मुसलमान साथ में है, कांग्रेस के साथ गुलाम नबी आज़ाद ने बोल ही दिया कि नीतीश ने जो बयान दिया है कि 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हम रोक देंगे, बस आप लोग मिल जाइए, तो जो ये समीकरण बन रहे हैं अखिलेश यादव और कांग्रेस के साथ, बहुत जल्द गठबंधन हो सकता है। दोस्तों इस तरह की जो अपडेट है, ये हवा जो ये जो जमीन पर चल रही है, जो संदेश बिहार से उठ रहे हैं, वो चीज़ें अब धरती पर दिखाई देती हुई उत्तर प्रदेश की धरती पर भी आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा, 10 से 20 सीटों के बीच में कोई संख्या होगी जिस पर मान मनोवत होगी। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।